कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है, जिससे पहले लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारियां की जा रही है। इसी के चलते उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी ने उज्जैन के एक निजी होटल में आगामी कार्यक्रम को लेकर मीडिया को सूचना दी। बता दें कि राहुल गांधी उज्जैन में 1 दिसंबर को आएंगे। सर्वप्रथम वह बाबा महाकालेश्वर का दर्शन लाभ लेकर सभा को सामाजिक न्याय परिसर में संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी 3,570 किलोमीटर की पदयात्रा करके उज्जैन आ रहे हैं। उनका विधिवत प्रोग्राम आज जारी हो चुका है। दिनांक 1 दिसंबर को वे उज्जैन निनोरा एक स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर लंच करने के पश्चात बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात सामाजिक न्याय परिसर में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। उसी तारतम्य में यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्योंकि कल पूरे शहर के ब्लॉक अध्यक्षों, उनकी कार्यकारिणी और समस्त पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा जी, माननीय पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा साहब, हमारे यहाँ जिले की प्रभारी शोभा ओझा मैडम, तीनों लोग उज्जैन पधार रहे हैं। मनोरमा गार्डन कोयला फाटक पर पूरे सभी कार्यकर्ताओं का वहाँ पर मीटिंग रखी गई है और सहभोज रखा गया है।